हेलो एवरीवन, वेलकम आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक क्लासेस में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कंपैरिजन बिटवीन द टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू, दैट इज द स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डिक मसल्स। हम यहाँ पे जस्ट फॉर क्विक रिविजन में क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस कर रहे हैं ताकि आपको और बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। सो स्केलेटल मसल जो हमने डिस्कस की थी बच्चों, वो कौन सी थी? स्केलेटल मसल्स आर दोज मसल्स, किनको कहा था हमने, जिनमें स्ट्रिएशन प्रेजेंट थी, ठीक है, जिनमें ये लाइट एंड डार्क बैंड इस तरीके से ये प्रेजेंट थे। दिस इज द डार्क बैंड, दिस इज द लाइट बैंड, उनको क्या कहा था हमने कि स्ट्रिएशन प्रेजेंट है। और जिन मसल्स के अंदर ये स्ट्रिएशन प्रेजेंट होती है उनको कहा जाता है स्ट्रिएटेड मसल, दैट इज द स्केलेटल मसल। और मेनली ये किसके अंदर मिलती है, जितने भी हार्ड जो पार्ट होते हैं ना हमारी बॉडी के, ठीक है, बोन से जो कनेक्टेड होते हैं मोस्टली, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, जो हार्ड पार्ट जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं हमारी बॉडी को, उनके अंदर ये मसल्स मिलती हैं। जैसे हमारे कहाँ मिलेंगे, आर्म्स में, लेग्स में, ठीक है, तो ये जो पोर्शन होते हैं जो हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उनके अंदर स्केलेटल मसल्स हैं वो मिलती हैं। और इनको क्या कहा जाता है, वॉलेंट्री मसल्स, मीन्स जो हमारी विल के अकॉर्डिंग काम करती हैं वो होती हैं वॉलेंट्री मसल्स। तो स्केलेटल मसल तो होगी स्ट्रिएटेड एंड वॉलेंट्री, जबकि जो स्मूथ मसल होती है वो होती है अनस्ट्रिएटेड एंड इनवॉलेंट्री, मीन्स इनमें ना कोई स्ट्रिएशन प्रेजेंट होता, ना कोई बैंड प्रेजेंट होता और ना ही हमारी विल के अकॉर्डिंग काम करती है। कार्डिक मसल्स भी क्या होंगी, इनवॉलेंट्री, ये भी हमारी विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करती एंड ये कैसी होती हैं, स्ट्रिएटेड होती हैं, इनके अंदर स्ट्रिएशन है, जो लाइट एंड डार्क बैंड है ये प्रेजेंट होती हैं। सेकंड पॉइंट इज स्केलेटल मसल जो होती हैं बच्चों, वो होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं वो प्रेजेंट होते हैं, बट स्मूथ मसल इज यूनि न्यूक्लिएटेड, एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। कार्डिक मसल्स भी कैसी होती हैं, यूनि न्यूक्लिएटेड। स्केलेटल मसल में जो न्यूक्लिया की पोजीशन होती है दैट इज द पेरिफ्रल, की पेरिफ्रल में जो सार्कोलेमा के बिल्कुल नीचे था, सार्कोलेमा इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं मसल सेल्स की, लेकिन जो स्मूथ मसल्स हैं उनका जो न्यूक्लियस है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंटर में, एंड कार्डिक मसल्स का न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है इन द सेंटर। अब अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये लॉन्ग होती हैं, एलोंगेटेड होती हैं, ठीक है, लेकिन टैपरिंग एंड नहीं होती, जबकि स्मूथ मसल्स के एंड जो वो टैपरिंग होते हैं ये भी लॉन्ग एंड एलोंगेटेड होती हैं। और जो कार्डिक मसल्स हैं वो लॉन्ग होती हैं बट ब्रांच्ड होती हैं। ओके, नाउ अब इनकी पोजिशन कि ये मिलती कहाँ कहाँ पे है, जो स्केलेटल मसल है बच्चों ये मिलती है इन दी मसल ऑफ लिम्स, जो भी हमारे लिम्स हैं, आर्म्स एंड लेग्स, इनकी बाइसेप एंड ट्राइसेप्स मसल्स के अंदर, फेस, नेक एंड टंग। बट स्मूथ मसल्स कहाँ मिलेंगी, जितने भी हमारे विसरल ऑर्गन हैं, इंटरनल ऑर्गन जो प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, उनमें क्या होती हैं, स्मूथ मसल प्रेजेंट होते हैं। और हम ये याद रख सकते हैं जो अंदर से बिल्कुल होल होते हैं, कैविटी जिन ऑर्गन के अंदर होती है, अंदर जिससे जो खाली होते हैं उनके अंदर मिलती है स्मूथ मसल्स, ठीक है। और जैसे कि इंटेस्टाइन है, ठीक है, अंदर से क्या होती है, होलो होती है ना, तो वहां पे कौन सी होंगी, स्मूथ मसल्स होंगी। लंग्स है, ठीक है, उनमें कौन सी मसल्स होंगी, स्मूथ मसल्स होंगी। और डक्ट्स ऑफ ग्लैंड है, यूरिनरी जेनिटल डक्ट है, यहाँ पे भी स्मूथ मसल्स होती हैं। कार्डिक मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ओनली इन दी हर्ट, है ना, स्मूथ मसल, हमने कहा था जितने भी इंटरनल ऑर्गेन है सब में स्मूथ मसल प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट दी हर्ट, हर्ट में कौन सी होती है, कार्डिक मसल प्रेजेंट होती है। सो ये था क्विक रिविजन आपका कंपैरिजन बिटवीन द टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। आई होप आपको यहाँ से और बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ताकि मेरे वीडियो आपको मिलते रहे इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।